क्या आपके चेहरे पर भी झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं? क्या आप भी वक्त से पहले बूढ़ी दिखती हैं? क्या हंसते हुए आपके गालों पर भी रिंकल्स पड़ने लगे हैं? या आपकी स्किन मुरझाई मुरझाई दिखती है और जवान नहीं लगती? तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल आसान और मजेदार सी रेमेडीज शेयर करने वाली हूं, जिनकी नेचुरल पावर्स की वजह से आपकी बूढ़ी होती स्किन को बिल्कुल ब्रेक लग जाएगी और अगर आप इनसे प्रॉपर फायदा उठा लेती हैं तो एजिंग प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाएगा। करना क्या है वो देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक खाली बाउल और इस बाउल में हम ऐड करने वाले हैं एक बिल्कुल आसान सा इंग्रेडिएंट, वो है जी चावलों का आटा। ये बिल्कुल फाइन होना चाहिए, दरदरा नहीं। मैंने भी पीस कर अच्छे से छान लिया था। उसके बाद ये हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है अंडे की जर्दी। इसकी सफेदी ऐड नहीं करनी, सिर्फ जर्दी ही चाहिए। जो लोग अंडे की जर्दी यूज नहीं करना चाहते वो बिल्कुल भी परेशान होकर वीडियो स्किप ना करें, आगे चल के मैं इसका भी अल्टरनेट आपको बता दूंगी। तीसरा आसान सा इंग्रेडिएंट है जी दूध। इतना ही ऐड करें कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बिल्कुल क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे मैं रख देती हूँ एक दफा साइड पर और लगाने से पहले आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ दूसरी रेमेडी, फिर फेस पर इकट्ठी दोनों अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, ठीक है जी। एक्चुअली दूसरी रेमेडी इस रेमेडी की अल्टरनेट है। ये नहीं कि दोनों ही अप्लाई कर लें, मतलब या पहले वाली यूज कर लें या फिर दूसरी। इसके लिए हमें चाहिए एक बहुत ही नेचुरल सा इंग्रेडिएंट। आप देखकर समझ तो गए होंगे कि ये क्या चीज है। चलिए गेम खेल लेते हैं। जिन जिन बहनों को पता है वो कमेंट्स में इसका नाम लिखें। मैं भी अभी आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या है। पहले इसको पानी में भिगोना है रात भर के लिए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल नरम चाहिए, इसलिए हम इसमें पानी ऐड करके रख देंगे। अच्छा, तो इसका नाम है जी गूंद कतीरा। इसको इंग्लिश में ट्रॉगक एंड गम, जो कि मुश्किल सा वर्ड है, ये कहते हैं। मैं लिख देती हूँ यार यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये मैं यहाँ पर इसलिए इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये साथ के साथ फाइन लाइंस और रिंकल्स की डेवलपमेंट को भी डिले करता है और स्किन को अंदर से क्लियर क्लीन बनाएगा। जब आप खुद इसे ट्राई करेंगे ना मेरे कहने पर एक मरतबा, तो आपको तभी पता चल जाएगा कि क्या अमेजिंग इंग्रेडिएंट आपने हमारे साथ शेयर किया है, क्योंकि मैंने इससे पहले इसके साथ कोई भी ऐसी रेमेडी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में एक बहुत ही मजेदार सी एंटी एजिंग क्रीम भी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, इसको सारी रात रखने के बाद ये फूल जाएगा और इस तरह की खूबसूरत क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। हमने इसे और भी ज्यादा फाइन करना है ताकि अच्छे से अप्लाई हो सके, क्योंकि इस शक्ल में ये अप्लाई नहीं होगा। सो हमने इसको मजीद ब्लेंड कर लेना है। मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप लोगों ने भी कर लेना है। ये देखिए, ब्लेंड होने के बाद ये बड़ी ही थिक जेल फॉर्म में आ चुका है। इस इंग्रेडिएंट के एप्लीकेशन के बाद आप खुद फील करेंगे डे बाय डे आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस कम होने लगेंगे, स्किन हाइड्रेट होने लगेगी और अंदर तक ग्लो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि स्किन अंदर से लश्कारे मार रही है। इसके बाद जी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल बाजारी, फिर आखिर में हमने डाल देना है जी कोकोनट ऑयल। एक्चुअली मैंने फ्रिज में रखकर इसे थोड़ा सा जमा लिया था ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आप लोगों ने भी 5 मिनट फ्रिज में रखना है तो ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में ये बिल्कुल मेल्ट होकर ऑयल की सूरत में आ जाता है। से ज्यादा देर भी नहीं रखना सही है, फिर बहुत ही हार्ड हो जाएगा, दोबारा गर्म करना पड़ जाएगा। अब जी मैं इसे अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में ले आऊंगी, लाइक ब्रांडेड क्रीम। आप खुद देख सकते हो भाई कि किसी ब्रांडेड बटर की तरह लग रहा है। क्या आपको भी रेमेडी की शक्ल देखकर वही एक्साइटमेंट हो रही है जो मुझे हो रही है? अब आती है जी इन दोनों रेमेडीज को अप्लाई करने की बारी। जी हमारी दोनों रेमेडीज तैयार हो चुकी हैं। इन दोनों के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने डाले हैं वो स्किन के लिए जबरदस्त प्रॉपर्टीज रखती हैं और यही तो है जवानी की कहानी। बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे अक्सर पूछती रहती हैं कि आप क्या यूज करती हैं, आप अपने बारे में बताएं। तो मैं जो होम रेमेडीज आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करती रहती हूँ ना, वही मैं खुद पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। इससे ये हो जाता है कि आप लोगों का भला तो होता ही होता है, साथ के साथ लगते हाथ मेरा भी भला हो जाता है। अच्छा, ये जो अंडे वाली रेमेडी है ना, ये मैं एक हिस्से पर अप्लाई करूंगी और जो दूसरी रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ बनाकर शेयर की है ना, वो दूसरे हिस्से पर अप्लाई करूंगी। इन दोनों रेमेडीज के रिजल्ट्स वखरे वखरे हैं। इसके कमाल के रिजल्ट्स हैं यार ये, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अंडा है और अंडा हमारी स्किन को है ना वो टाइट करने के लिए और अपलिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जिन लोगों को अंडा सूट नहीं करता या वो पसंद नहीं करते यूज करना, वो ये दूसरी रेमेडी यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए मैंने ही यहाँ पर ऑप्शन रख दी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आने वाले दिनों में ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग एंटी एजिंग क्रीम बनाकर शेयर करूंगी, जिसे आप एक हफ्ते तक अपने फ्रिज में रख सकते हो। गर्मियों के लिए वो क्रीम है, इफेक्टिव है बहुत ज्यादा और इसे आप यूज कर सकते हो। अब जी हाफ फेस के ऊपर हम ये वाले अंडे वाली रेमेडी यूज करने वाले हैं और इसको तकरीबन हम लोगों ने रख लेना है लगाकर 25 मिनट तक अपने फेस के ऊपर। उसके बाद हम इसे जब ये ड्राई हो जाएगी ना, तो इसे हम वाइप आउट कर सकते हैं या फिर इसे धो सकते हैं और उसके बाद कोई भी हल्का फुल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है। इसकी फ्रेग्रेंस को इतनी ज्यादा बुरी नहीं आ रही, आप इसे 2 से 3 दिन तक भी रख सकते हो फ्रिज में बनाकर, ये खराब नहीं होगी। और कब कब इसे यूज करना है वो भी मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। अच्छा, बहुत सारे लोग और बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी हैं कि आप बताएं कि आपकी स्किन है इतनी यूथफुल कैसे है, एज इतनी हो गई है, 2 बच्चे हैं, मतलब अब 50 साल की तो नहीं हूं भाई, अब वैसे भी ना
करें आप लोग, लेकिन 30 से अबव हूँ, 32-33 साल है मेरी एज, लेकिन आपकी स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी है, रिंकल फ्री है, क्या है उसके पीछे राज? तो बस यही राज है कि जो होम रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वही खुद पर अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करूँ। अच्छा, मेरी एक बहन का कॉमेंट आया हुआ था कुछ दिन पहले, मैंने पढ़ा कि आप महंगे प्रोडक्ट्स वो क्यों नहीं यूज करती, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं यूज करती? यार, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती यूज करने की, जब अपनी होम रेमेडीज इतनी फर्स्ट क्लास निकल आती हैं, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे मिल जाते हैं, तो लाजमी सी बात है ना बंदा वही यूज करेगा ना जो अफोर्डेबल भी हो, जेब पे भारी भी ना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो आफ्टर, तो वही यूज कर लेगा। उसको क्या जरूरत है कि आप महंगे महंगे ब्रांड्स की अच्छे से अच्छी 5,000 की क्रीम लेकर यूज करे, डे नाइट और सन ब्लॉक यूज करे और पता नहीं क्या क्या मास्क यूज करे। यार, ये सारे झमेले नहीं होते, ये चीज बस बनाई अपने हाथ से बनाई, इसमें जो मजा आता है ना वो किसी और चीज में नहीं आ सकता आपको, क्योंकि ये खुद हम अपने हाथ से बनाते हैं और फिर इसे फौरी तौर पर अप्लाई कर लेते हैं। ना इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ना कोई आर्टिफिशियल कलर होते हैं, ना कोई केमिकल्स होते हैं, ना कोई फ्रेगनेंस वगैरह होती है, तो ये सभी लोगों के लिए सूटेबल रहती है। अब आगे हो गया आप लोगों को इंशाल्लाह समझ मेरी बात की, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना अब, नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही। हाँ, मैं कह रही हूँ उमर को मेकअप पे चेंज के बाद। नहीं नहीं, मैंने खुद देने, उसको आके 10 मिनट रुक जाओ, आप लोगों ने 3:15 जाना है। 3:15? हम्म, वो कितने होते हैं? 3:15। अब दूसरे हिस्से की तरफ, दूसरे फेस पर हम लोग दूसरी रेमेडी यूज करने वाले हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि एंटी रिंकल जो स्किन होती है उसके लिए कोई खास और प्रॉपर केयर की जाती है आपकी? नहीं, ये बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाएगा आपके फेस के ऊपर, क्योंकि हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, तो आप लोगों ने भी इसे ब्लेंड लाजमी कर लेना, वरना ये आपके स्किन के ऊपर ठहरेगा नहीं। मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि कोई खास स्किन केयर होती है जो कि हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दूसरी स्किन की तरह, आम स्किन की तरह ही इसकी केयर की जाती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फेस मास्क यूज किए जाते हैं, ऑयल्स यूज किए जाते हैं और साथ के साथ मसाज वगैरह यूज किया जाता है, जिसकी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो यूथफुल दिखती है, क्योंकि बुढ़ापा तो किसी को भी पसंद नहीं होगा भाई, आपको पसंद है क्या बुढ़ापा? नहीं ना, तो सभी चाहते हैं कि हम यंग और यूथफुल दिखें, तो इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिल जाए हमें, और इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए आप ये वाली दोनों रेमेडीज यूज कर सकते हो। आने वाले दिनों में मैं क्रीम का वादा आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ, क्रीम बनाकर लाजमी दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छी है, वो आप लोग यूज करेंगे ना तो फिर आप लोगों ने दुआएं देनी अपनी बहन को। अच्छा भाई, ये सवाल भी मुझसे पूछा गया था कि एंटी रिंकल स्किन के ऊपर हम कौन कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं। तो एंटी रिंकल जो स्किन होती है ना, उसके लिए जो बेहतरीन और बेस्ट तरीन दुनिया के ऑयल्स हैं ना, वो सबसे पहला है कोकोनट ऑयल, दूसरा है होबो ऑयल और तीसरा है जी एप्रिकॉट ऑयल, यानी कि खुबानी का तेल। ये तीनों ऑयल जो है ना, ये एंटी रिंकल स्किन के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छे ऑयल हैं, ठीक है? तो आप लोग ये वाले यूज़ कर सकते हो, इनके साथ मसाज की जा सकती है और ये वाले ऑयल जो है ना बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई मास्क बना रही है या मार्केट से कोई भी क्रीम अगर आप परचेज करते हैं, तो आप लोग इस बात का लाजमी यकीन रखें कि उनके अंदर बीज वैक्स और शिया बटर लाजमी ऐड किया जाता है एंटी रिंकल स्किन को दोबारा से यूथफुल स्किन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अभी हम इसको भी रखेंगे और इसकी जो टाइमिंग है वो 20 से 25 मिनट तक आप अपने फेस के ऊपर इसको रखेंगे, और जब ये थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा ना, तब आपने बात नहीं करनी, वरना ये स्किन पर रिंकल्स को मजीद बढ़ा सकता है, ठीक है? खामोशी इख्तियार करें, मोबाइल देख लें, कानों में हैंड फ्री लगाएं, कोई अल्लाह रसूल का नाम सुन लें, कोई अच्छी बात सुन लें, कोई अच्छी वीडियो देख लें, नहीं कोई तो फिर अपनी बहन की वीडियो देख लें स्किन केयर के लिए, या फिर हेल्थ केयर के लिए, या फिर अपने बालों की केयर के लिए, या खुद को मोटिवेट करने के लिए कि हम अपनी स्किन को किस तरह से यूथफुल और अच्छा और हेल्दी रख सकते हैं। साथ के साथ अगर हाथों पर किसी के रिंकल्स आ गए हैं तो वो हाथों पर भी इन दोनों रेमेडीज को यूज कर सकता है, पैरों पर भी की जा सकती है, और गर्दन को तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं भूलना, गर्दन के ऊपर इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा और 20 से 25 मिनट उसकी भी टाइमिंग होगी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद जो है ना, हम लोगों ने डेली बेसिस पर इसको अप्लाई नहीं करना है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों रेमेडीज को आपने वीक में सिर्फ और सिर्फ 2 दफा अप्लाई करना, ज्यादा कोई तामझाम करने की या ज्यादा रोले में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, और इतना टाइम तो बंदा अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अच्छा जी, जब तक ये ड्राई होता है, आप लोग जरा चेक तो कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या नहीं, ताकि बाद में आप लोग भूल ना जाए ना, वीडियो खत्म होने वाली है। इसके बाद ही हम लोग वेट करेंगे 20 से 25 मिनट तक के लिए, उसके बाद वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूं कि स्किन किस तरह से यूजफुल दिख रही है, और जो उसकी फाइन लाइंस थी मेरे माथे पर, हल्की हल्की सी फाइन लाइंस मुझे शो होती है, या फिर आंखों के पास पास हल्की सी जब स्माइल पास करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और मैं हमेशा ये वाली रेमेडी जो है ना बनाकर, इनमें से कोई भी एक बनाएं, यूज करें, दोनों बनाने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने आप लोगों को ऑप्शंस दिए हैं। यार, आप लोगों को बताते बताते ना खुद की भी केयर हो जाती है, दूसरों का भला करते करते खुद का भी फायदा हो जाता है, और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं कि दूसरों का भला करें तो खुद का भला हो ही जाता है। ठीक है जी, मैं इसे अब वॉश करके आती हूँ, वेट करती हूँ, फिर वॉश करती हूँ, फिर आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, 20 से 25 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और आप लोग यहाँ पर देखें कि ये हार्ड हो चुका है, ये अंडे वाला जो मास्क है ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरे वाला मास्क है ये हार्ड नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने इसको टाइम 20 से 25 मिनट का ही देना है। उसके बाद हम जो है ना इसे वॉश कर देंगे, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, ये यहाँ से आप लोग देखें ये हार्ड हो चुका है,
तो धोके आते हैं। इन रेमेडीज को वॉश करने के बाद मैंने शावर लेना था, तो मैंने नहा लिए, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और अब मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। इस वक्त मेरे फेस के ऊपर, मेरे होंठों पर, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। और पहले जब मैं एप्लीकेशन कर रही थी उस वक्त भी जस्ट थोड़ा सा टिंट लगा हुआ था, ना ही कोई आईब्रोज बनी हुई थी, ना कोई मस्कारा था, ना कोई बेस थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जस्ट हल्की सी लिपस्टिक लगी हुई थी। और अभी वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोगों के सामने है। लेकिन स्किन जो है ना वो थोड़ी सी रूखी सूखी हो जाएगी इन दोनों रेमेडीज़ को यूज़ करने के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है स्किन को थोड़ा सा वो टाइट करेगी जब रेमेडी, तो उसके बाद हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राइनेस का शिकार हो सकती है। तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो, कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हो, जो भी मतलब आपको सूट करता हो या जो आपकी डेली रूटीन में इंक्लूड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगी हल्का सा सीरम, ये देखें थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा एक पंप और पूरे फेस के ऊपर इसको स्प्रेड कर लूँगी लेंज। बस हो गया अब हमारा काम। इस वीडियो में जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, वो सब की सब बहुत ही धमाकेदार हैं। आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। फीडबैक आपका इंतज़ार हमेशा से आपकी बहन को रहता है, अभी भी रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रा जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी आप लोग भूल जाओगे और वीडियो से बाहर निकल जाओगे। और चैनल पर अगर न्यू है तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि हम इस फैमिली को आगे बढ़ा सकें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपकी बहन को अभी इजाज़त की ज़रूरत है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।